मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल स्टडी नाउन एंड नंबर्स। तो इसके पहले हम लोग नाउन के बारे में देख चुके हैं, पांचों पार्ट्स देख चुके हैं उसके, आप लोगों ने अच्छे से मेरे ख्याल से समझा होगा। अब देखिए नाउन एंड नंबर्स। तो नाउन के तीन पार्ट्स और हैं, नाउन है, नंबर्स है, नंबर के बाद केस है, केस के बाद आपका क्या है बेटा, केस के बाद आपका जेंडर है। तो अलग अलग पार्ट पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला पार्ट है नाउन एंड नंबर्स। तो इसमें कितने पार्ट होते हैं? नंबर्स के दो प्रकार होते हैं। देखिए कोई भी नंबर कितने हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है या तो एक से अधिक हो सकता है। कितना हो सकता है बेटा? या तो एक हो सकता है या तो एक से अधिक हो सकता है। तो जब हम एक वचन की बात करेंगे, मतलब एक व्यक्ति या वस्तु की बात करेंगे, तो किसमें आ जाएगा आपका? सिंगुलर में आ जाएगा। और जब एक से अधिक की बात करेंगे तो किसमें आ जाएगा बेटा? प्लरल में आ जाएगा। देखिए ध्यान से अगर हम इसके हिंदी शब्द को देखें, देखिए लिखा हुआ है एक वचन। क्या लिखा हुआ बेटा? एक वचन। और यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा? बहुवचन। इसको द्विवचन भी कह सकते हैं, बहुवचन भी कह सकते हैं। देखिए दो वचन क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है, दो से अधिक भी हो सकता है, दो हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है। और इसमें क्या है, एक वचन में सिर्फ एक ही रहेगा, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु की बात करेगा बेटा, सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु की। देखिए आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन का। जैसे मैंने कहा जो नाउन किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करता है, जो नाउन किसी एक व्यक्ति, यहां पे ध्यान दीजिए, या वस्तु की बात करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल में मैंने लिखा बेटा बॉय। बॉय क्या है? सिर्फ एक लड़का है। बॉय क्या है? सिर्फ एक लड़का है। या फिर मैंने कह दिया गर्ल, ये क्या है? सिर्फ एक लड़की है। जब एक एक चीज की बात करेंगे, मैंने कह दिया बुक, तो ये क्या, ये पर्सन हो गया, पर्सन हो गया, ये थिंग हो गया। आप ध्यान दीजिए कि ये पर्सन हो गया, ये पर्सन हो गया और ये थिंग हो गया, लेकिन क्या है? सिर्फ एक एक है। आप अगर अच्छे से देखिए, देखिए बॉय, गर्ल और बुक सिर्फ एक एक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बेटा? सिंगुलर कहेंगे। इसी प्रकार प्लरल होता है। देखिए प्लरल क्या होता है? जो नाउन एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात करता है, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात करता है। आप ध्यान ये दीजिए कि कह रहा है एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु। व्यक्ति कितने होने चाहिए? एक से अधिक होने चाहिए, वस्तु भी एक से अधिक होने चाहिए, तभी आप किसमें आएगा बेटा? वो चीज प्लरल में आएगा। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने जैसे कहा बॉय का ही हम ले लेंगे, बॉय का क्या हो जाता है बेटा? बॉय होता है। सर कैसे हो जाता है? आपने क्यों यस लगा दिया, क्यों ये आपका प्लरल हो गया, ये हम अभी देखते चलेंगे। यही तो हमें देखना है कि ये यस क्यों लगता है। या मैंने कहा गर्ल का कर दिया गर्ल्स, सर ये गर्ल्स एस लगाने के बाद क्यों प्लरल हो गया, हम इसको अभी देखेंगे, आप लोग परेशान नहीं हो। बुक का क्या हो गया बेटा? बुक्स। ये सारी चीजें, ये क्यों चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, प्लरल क्यों जा रहा है, अब क्या हो गया? बॉयज जब हम बोलते हैं बेटा, बॉयज जब हम बोलते हैं तो सिर्फ एक लड़के की बात नहीं करते हैं। इस समय हम कितने की बात कर रहे हैं? एक से अधिक की बात कर रहे हैं, कोई गिनती इसकी नहीं है। इसी प्रकार जो है गर्ल्स हो गया, गर्ल्स अगर मैंने बोल दिया तो गर्ल्स कितनी है ये नहीं पता है, लेकिन हाँ एक से अधिक है। अब बुक्स, जब बुक था तो एक था, लेकिन जब बुक्स हो गया तो एक से अधिक हो गया। दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको सिंगुलर से प्लरल में कैसे बदलेंगे। आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि सिंगुलर से प्लरल में कैसे बदला जाए। चलिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको हेल्प करेंगी कि सिंगुलर से प्लरल में कैसे बदला जाए। नाउ चेंज इनटू सिंगुलर टू प्लरल। अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि सिंगुलर से प्लरल में कैसे बदले। अभी आपने पिछली बार देखा था मैंने एस लगा दिया था, तो आपको ये कंफ्यूजन हुआ होगा सर ने एस लगा क्यों चेंज कर दिया। तो हम देखेंगे कि किसके अंत में क्या क्या रहता है, तो हम क्या लगा देते हैं, यस या ईएस लगा देते हैं या आईईएस लगा देते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं सिंगुलर से प्लरल बदलने में, हम एक एक रूल के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहला रूल जो आपका लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ बेटा? सबसे पहला रूल लिखा हुआ है नाउन के अंत में। एकदम ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप देखते भी रहेंगे और सुनते भी रहेंगे। क्या बोला मैंने? नाउन के अंत में यदि यस 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 यच या सी एच आ जाता है, ध्यान से देखिए बेटा, यस आ जाता है या यस यस आ जाता है या एस एच आ जाता है या सी एच आ जाता है या फिर यक्स आ जाता है, इनमें से कोई भी आ सकता है बेटा अंत में। यदि अगर अंत में आपके नाउन में आ रहा है तो उसके अंत में क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ आप क्या जोड़ देंगे बेटा? यस जोड़ देंगे। और अगर यस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लरल हो जाएगा।
एकदम ध्यान से फिर से देखिए, नाउन के अंत में यदि यस, यस एस, यस एच या सी एच या फिर यक्स हो तो उसके अंत में, उसके अंत में आप क्या जोड़ देंगे बेटा, ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे और वो क्या हो जाएगा? प्लरल बन जाएगा। देखिए कितना आसान है, आप एग्जांपल से समझिए। जैसे मैंने कहा क्लास, क्या बोला बेटा? क्लास। तो इसमें देखिए अंत में क्या दिख रहा है आपको? यस यस। सर यहां तो यस एस है और यस एस है तो क्या जोड़ देना है आपको? सीधा आप क्या कर देंगे? सी एल ए एस एस ई एस। देखिए मैंने क्या जोड़ा? सिर्फ ई एस जोड़ दिया और ये क्या हो गया बेटा? ये प्लरल हो गया। ये क्या हो गया? प्लरल हो गया। ये तो सिंगुलर था ही। अब देखिए ब्रश, मैंने क्या लिया? दूसरा ब्रश। इसमें क्या है बेटा? एस एच। सर एस एच तो यहां पे है तो क्या हो गया बेटा? एस एच है तो आपको क्या जोड़ना है? सिर्फ आपको ई एस जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? बी आर यू एस एच ई एस। बहुत आसान है बेटा। इसी प्रकार ब्रांच हो गया। ब्रांच का देखिए, ब्रांच कहीं सी एच दिख रहा है? यस सर, यहां पर क्या है? सी एच है। तो बेटा आप क्या कर देंगे? ये सी एच के साथ तुरंत जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? बी आर ए एन सी एच ई एस। जोड़ना क्या है? सिर्फ ई एस जोड़ना है यदि आपको किसी भी शब्द के अंत में यस यस एस एस एच सी एच और या फिर यक्स दिख गया तो। बिल्कुल तीसरा चौथा एग्जाम्पल आप देखिए, टैक्स। टैक्स क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेस। टैक्स क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेस। क्या किया मैंने? ईएस जोड़ दिया। सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ ईएस जोड़ दिया। इसी प्रकार देखिए सर, यस वाला तो आपने बताया। सर यस का भी एग्जांपल आपके पास रखा हुआ है। बस का क्या हो जाएगा बेटा? बसेस। क्या हो जाएगा? बसेस। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि जिस तरह मैंने लिखा है सेम उसी फॉर्मूले से मैंने बदला भी है। तो फॉर्मूला बहुत काम आता है बेटा, आप याद रखेंगे। यस 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 एच सी एच या फिर यक्स हो अंत में किसी भी नाउन के तो आप सिर्फ क्या करेंगे? उसमें ईएस जोड़ देंगे और ईएस जोड़ने के बाद बेटा ये क्या हो जाएगा? इजिली जो है इसका प्लरल बन जाएगा। देख लीजिए आप लोग, ये सिंगुलर, ये प्लरल, ये सिंगुलर, ये प्लरल, ये भी सिंगुलर, ये भी प्लरल, ये भी सिंगुलर, ये भी प्लरल, ये सिंगुलर, ये प्लरल। तो ये बात समझ में आई बेटा? ये तो आपका पहला रूल, इसको आप याद रखेंगे। बहुत आसान है, बस दो बार आपको देखना है, तुरंत आपको याद हो जाएगा बेटा। फिर क्या किया मैंने? रूल टू। रूल टू में हम क्या देखेंगे? यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कांस्टेंट हो, वाई से पहले क्या हो बेटा? कांस्टेंट हो। वाई तो हो ही अंत में और वाई से पहले क्या हो बेटा? कॉन्सोनेंट हो, सॉरी कॉन्सोनेंट हो। तो वाई को हटाकर, वाई को हटाकर हम क्या करेंगे बेटा? आई ई एस लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले में हटाना नहीं था, आपके नियम में क्या था? सिर्फ जोड़ना था ई एस। इस बार आप याद रखेंगे कि वाई के, वाई हो पहला चीज तो क्या हो अंत में? वाई हो बेटा, और वाई के पहले आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट आप जानते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो है कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और तो किए इसके बाद क्या होना चाहिए? उस वाई को हटा देंगे हम बेटा, उस वाई को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। हटाने के बाद वहां पर क्या लगा देंगे? आई ई एस लगा देंगे। याद रखेंगे आप क्या लगा देंगे? आई ई एस। इसमें दो बातें आपको याद करने की है। पहला चीज तो क्या होना चाहिए? वाई के पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वाई के पहले क्या होना चाहिए बेटा? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे हम उस वर्ड से, वाई को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल हम देख रहे थे, एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आता है। एग्जाम्पल देखिए, बेबी। बेबी को हम क्या करेंगे? बेबी देखिए आप, बेबी में दो चीज देखिए। पहला क्या नियम बताया मैंने? कांस्टेंट होना चाहिए वाई के पहले, कांस्टेंट। देखिए बी क्या है? कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, कॉन्सोनेंट है, सॉरी। फिर क्या हुआ? बेबी। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब बी कॉन्सोनेंट है और वाई भी है, तो सर क्या करेंगे? सर वाई हटा देंगे और क्या यहां लिख देंगे? बी ए बी। और क्या जोड़ना है बेटा? आई ई एस। देखिए आई ई एस, ये क्या हो गया बेटा? प्लरल हो गया। इसी प्रकार आप लेडी देखिए, लेडी में आपका डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। डी क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है और वाई भी है। सब नियम पूरा फॉलो कर रहा है, और जब नियम फॉलो कर रहा है तो क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे, तो पहले क्या लिखेंगे? एल ए डी आई ई एस। देखिए कितना आसान है। अब आर्मी देखिए, आर्मी में क्या है? यम क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है। यम क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है और वाई भी है। आपका पूरा पूरा रूल टू फॉलो कर रहा है। सर इसको भी हम कर लेंगे, हम खुद ही कर लेंगे। क्या हो गया? ए आर एम आई ई एस। तो इसी प्रकार आप स्टोरी का कर लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग करके वीडियो में कमेंट
कर देंगे। कितना इजी है आपको देखना कि सिर्फ करना क्या है, आपको ढूंढना है कि अंत में वाई तो नहीं है। अच्छा वाई मिल गया तो आपको ढूंढना है कि कहीं वाई के पहले जस्ट कॉन्सोनेंट तो नहीं है। तो आपका अगला सवाल होगा, सर अगर वावेल रहा तो क्या होगा? तो हम बता रहे हैं कि अगर इस वाई के पहले वावेल रहा तो क्या होगा। देखिए रूल थ्री आप देखिए, जिस नाउन के अंत में, अभी मैंने बताया था कि यदि वाई के पहले वावेल आ जाता है तो आप क्या करेंगे। देखिए जिस नाउन के अंत में वाई हो, नाउन के अंत में क्या हो बेटा, वाई हो और उससे पहले वावेल हो, तो उसको प्लरल बनाने के लिए वाई के बाद सिर्फ आपको क्या करना है, यस लगा देना है। कितना आसान है बेटा, अगर कॉन्सोनेंट था वाई के पहले तो आप वाई भी हटाते थे और आईई यस भी लगाते थे। लेकिन क्या है कि यदि वाई के पहले वावेल आ गया है, आपका वाई के पहले क्या आ गया बेटा, वावेल आ गया है, तो ना वाई हटाना है और ना कुछ करना है, सिर्फ क्या करना है उसमें एक छोटा सा यस आपको जोड़ देना है। और अगर आपने यस जोड़ दिया तो वो क्या हो गया बेटा, वो क्या हो गया आपका प्लरल हो गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने मंकी। मंकी में देखिए y तो अंत में है ही है और y के पहले क्या है बेटा, e, e क्या है, वावेल है, a e i o u, वावेल क्या होता है बेटा, वावेल होता है a e i o u, इनमें से कोई भी शब्द आ सकता है इसमें बेटा। देखिए मंकी के पहले क्या है, e है और y भी है, रूल एकदम फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे बेटा, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंकीज, क्या हो जाएगा, मंकीज, एक बंदर और बहुत सारे बंदर, मंकीज। इसी प्रकार हम देखिए की में क्या है, ई क्या है बेटा, ई आपका क्या है, वॉवेल है और वाई भी है अंत में, और वाई भी मिल गया तो सर हम चेंज कर लेंगे इसको, क्या हो जाएगा, के ई वाई। यस देखिए कितना आसान है, आपको कुछ नहीं हटाना है। पिछले वाले में थोड़ा सा क्रिटिकल था, आपको वाई हटाना भी था और क्या करना था उसमें कॉन्सोनेंट भी देखना था और फिर आपने एग्जाम्पल आई ई एस भी लगाना था, तब जाके वो प्लरल हो रहा था। और ये देखिए कितना आसान है, सिर्फ क्या करना है आपको, चेक करना है कि अंत में वाई है और उसके पहले क्या है, वॉवेल है, वॉवेल आ गया तो आप क्या कर लेंगे, यस लगा के उसको चेंज कर देंगे। इसी प्रकार ट्वाई का देखिए, ट्वाई के पहले क्या है, ओ है, ओ क्या है बेटा, आपका वॉवेल है और वाई तो अंत में है ही है, आपका फायदा हो गया, तुरंत आपने क्या किया, टी ओ वाई, यस। आप ये दो क्वेश्चन स्वयं करेंगे और उसके बाद कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या सही उत्तर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। अगला रूल क्या है हमारा, रूल फोर, यदि नाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में यफ या यफी हो, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि नाउन के अंत में यफ या यफी हो तो इसके प्लरल, जब आप इसका प्लरल बनाने लगेंगे तो क्या होगा, यस या इयस जोड़कर, यस या यस जोड़कर बनाएंगे, तथा ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, मैंने कहा यस या यस जोड़कर बनाएंगे, तथा यप या यपी के स्थान पर वीई यस करके भी बना सकते हैं। दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा, यस या यस भी लगता है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए इसमें कंफ्यूजन ये होती है, कभी कभी क्या होता है कि दो तरह सा, क्योंकि इसका प्लरल एस या यस से भी बन सकता है और क्या बन सकता है बेटा, इसका वीई यस से बन सकता है। आपको ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड कैसे बन रहा है, इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि जो बता सके कि जो है कि यही जो है वी यस लगेगा या यही जो है आपका यस या यस लगेगा। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप कर लेते हैं प्रैक्टिस। जैसे मैं पहला एग्जांपल देखना चाहूंगा, चीफ, सी एच आई ई यफ, सर इसमें अंत में आपको क्या दिख रहा है, यफ दिख रहा है, यफ यहां पे भी है, तो आपका नियम क्या कहता है, या तो यस या यस जोड़कर बनाइए या तो आप वीई एस लगा दीजिए, तो शायद मेरे ख्याल से इसमें वीई एस नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा बेटा, चीफ, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ यस से भी ये क्या हो जा रहा है, प्लरल बन जा रहा है। तो ये कुछ इसमें के अपवाद हैं, जैसे रूफ हो गया तो रूफ को क्या हो जाएगा बेटा, रूफ, क्योंकि यफ अंत में है और यस लगा के आप इसको क्या बना देंगे। तो सर आप बता दिए कि सर यस यस वाला तो बता दिए, वी एस वाला तो आपने बताया नहीं, तो बिल्कुल आपको मैं वी एस वाला भी बता देता हूं, थीप का क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर क्या है, थीप है, तो थीप का क्या हो जाएगा बेटा, थीप्स, क्या हो जाएगा, थीप्स, कैसे देखिए, टी एच आई, टी एच आई ई वी ई यस, ई वी ई यस, क्या हो गया बेटा, थीप्स हो गया। अच्छा फिर लाइफ क्या हो जाएगा बेटा, लाइफ का भी आपका हो जाएगा एल आई ई, लाइफ एफ ई हटा देंगे, एल आई और क्या लगाना है, वी ई यस, आप क्या करना है, सिर्फ एफ ई हटा देना है और एफ ई हटा क्या कर देना है, वी ई यस लगा देना है प्लरल में बदलने के लिए।
आपका तीन क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए शब्द नहीं है तब भी मैं आपको तीन शब्द दे रहा हूं कि आप इसमें देखेंगे। जैसे वाइफ का हो गया, वाइफ में क्या करना है आपको, सबसे पहले याद रखना है कि यफ ही तो हटाना ही हटाना है, यफ ही हटा के आपको क्या लगाना है वो आप जानते हैं। या काफ हो गया, काफ में भी आपको यफ हटाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, यदि नाउन के अंत में यफ या यफी हो तो इसके प्लरल एस या ईएस जोड़कर तथा एफ या एफी के स्थान पर, स्थान का मतलब क्या होता है, इसके स्थान पर यह हट जाएगा, इसके स्थान पर वीईएस करके बताया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, यफ इसमें भी हट जाएगा, तो बेटा आप इसमें चेंज कर लेंगे, बिल्कुल क्या होगा कि या तो इसके अंत में वीईएस लग जाएगा, वैसे मैक्सिमम चांसेस है कि वीईएस ही लगेगा, आप इसको कर लेंगे और कमेंट में बता देंगे ये सही है या गलत है, इसका आंसर क्या होगा। अब देखते हैं रूल नंबर 5। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं रूल 5 की ओर। तो मैंने क्या बताया था, रूल 4 तक आपको हो सकता है समझ में आ गया हो, और समझ में आ जाएगा आप अच्छे से देखेंगे। तो रूल 5 देखिए, ओ से समाप्त होने वाले कोई भी नाउन, ओ से समाप्त होने वाले कोई भी नाउन अधिकांश ईएस लगाकर बनाया जाता है, उसको क्या बनाया जाता है बेटा, प्लरल बनाया जाता है। अधिकांश अगर मैं ईएस लगा दूं, ईएस लगाकर क्या बनाया जाता है बेटा, प्लरल बनाया जाता है। ओ से समाप्त होने वाले नाउन में अधिकांश ईएस लगाकर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है बेटा, प्लरल बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, प्लरल बनाया जाता है। सर बिल्कुल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, देखिए एग्जांपल कैसे, मैंगो, मैंगो है तो मैंगो के अंत में क्या है बेटा, ओ है, ओ है तो हमें क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, ईएस लगा देना है, कैसे, एम ए एन जी ओ ई, यस बिल्कुल आपका प्लरल हो गया। इससे आसान कुछ हो सकता है आपके लिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे बफलो, बफलो का क्या हो गया बेटा, बी यू डबल एफ ए एल ओ, सर क्या लगा दे इसमें, ईएस लगा दे, और ईएस लगा के क्या हो गया आपका बेटा, ये बफलोज हो गया, और बफलोज हो गया तो क्या हो गया, प्लरल हो गया। यही तो हमें जानना था कि इसका प्लरल क्या होता है भैया, हीरो तो आप लोग सब जानते होंगे, साउथ इंडियन से लेके इंडियन तक, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक सारा कुछ जानते होंगे। तो हीरो क्या हो गया बेटा, हीरो का अगर मैं देखूं तो अंत में क्या है बेटा, ओ है, अंत में ओ है, तो ओ क्या करेंगे, ओ के साथ सिर्फ जोड़ना है आपको, हटाना कुछ नहीं है। आपने क्या किया, हीरो के साथ क्या जोड़ दिया, ईएस जोड़ दिया। आप याद रखेंगे हटाना सिर्फ किसमें है, आपका हटाना सिर्फ किसमें है, पहले वाले में और वाई वाले में जब कॉन्सोनेंट लगा हो तब, और बाकी हटाना नहीं है किसी में, सिर्फ जोड़ना जोड़ना है। जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो आप स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे आप पोटैटो को, पोटैटो क्या करना है, सिर्फ आपको वो हटाना है, बाकी आप जोड़ लेंगे, आप जानते हैं इतना समझदार तो आप खुद हैं। फिर देखिए नोट, नोट क्या होता है बेटा, नोट कभी कभी क्या होता है, स्पेशली कोई चीज होती है जिसको एक्सेप्शन कहा जाता है, अपवाद जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, अपवाद में आप क्या देखते हैं बेटा कि ये चीजें क्या होती है, ना यस लगना है, ना ईएस लगना है, ना वीईएस लगना है, ना कुछ नहीं लगना है, ना कुछ हटना है, ना कुछ वो करना है, ये पूरे तरह से चेंज हो जाते हैं बेटा। ये क्या होता है, पूरे तरह से वर्ड ही चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में माउस, माउस का क्या हो जाएगा बेटा, माइस, माउस क्या हो जाएगा आपका, माइस। इसको आपको याद करना पड़ेगा बेटा, आप याद कर सकते हैं 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, आप 1000 याद कर सकते हैं बेटा। मैन, मैन का मेन हो जाएगा, मैन क्या हो जाएगा बेटा, मेन हो जाएगा, सर मैन का मेन हो जाएगा, तो वुमेन का क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा बेटा, वुमेन का हो जाएगा वुमेन। फूट का क्या हो जाएगा बेटा, फीट। देखिए पूरा पूरा चेंज जा रहा है, पूरा पूरा वर्ड ही चेंज जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये किसी रूल के मुताबिक नहीं है बेटा, ये क्या है, अपवाद है, हर चीज का एक अपवाद होता है, इसी प्रकार ये भी क्या है, एक अपवाद है। ऑक्स क्या हो जाएगा, ऑक्स का हो जाएगा बेटा ऑक्सन, ऑक्स क्या हो जाएगा आपका ऑक्सन। टूथ क्या हो जाएगा, टीथ, जो आप टीथ बोलते हैं अपना, देखिए आप टीथ में क्या बोलते हैं, टीथ आपके कितने होते हैं, 32 होते हैं, किसी 28 होते हैं, तो क्या होता है, ये जो होता है पूरे टीथ को आप बोलते हैं, लेकिन जब एक टीथ की बात करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, उसको टूथ बोलते हैं। जैसे आप जाते हैं तो क्या लेने जाते हैं, टूथ ब्रश लेने जाते हैं, आप टीथ ब्रश कभी नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसको मालूम है कि सिर्फ एक दांत की बात करेगा वो, जब वहां बात करेगा तो ठीक है। इसी प्रकार देखिए गूस क्या हो जाएगा, गीज, और चाइल्ड क्या हो जाएगा बेटा, चाइल्ड को हम प्लरल में क्या कहते हैं, चिल्ड्रेन। जब एक बच्चा रहता है तो आप क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं, और जब ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं तो आप क्या कहते हैं बेटा, चिल्ड्रन कहते हैं। तो आप इन बातों को याद कर लेंगे बेटा, मेमोराइज, याद करने का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ ध्यान से देख लेंगे, यदि आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, यदि मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद
हो सकता है। चलिए आपका ये समाप्त हुआ चेंज इनटू सिंगुलर टू प्लूरल। मैं आशा करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप दोबारा देखेंगे इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं जेंडर की ओर। तो अब हम लोग देखेंगे क्या बेटा, जेंडर। जेंडर मतलब हिंदी में क्या होता है, लिंग होता है। आपको जब आप फॉर्म वगैरह भरने लगते हैं उस टाइम ये बहुत काम आता है। या तो यहाँ जेंडर लिखा रहेगा या फिर यहाँ पे क्या लिखा रहेगा बेटा, सेक्स लिखा रहेगा। सेक्स और जेंडर एक ही चीजें हैं, दोनों किसको बताते हैं बेटा, लिंग को बताते हैं कि आप क्या हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं या उभय लिंग हैं या फिर नपुंसक लिंग हैं। ये चारों चीजें आपका कौन बताता है बेटा, जेंडर बताता है। इसके कितने टाइप्स होते हैं बेटा, फोर टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स। आप याद रखें कौन कौन से होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। फिर से रिपीट करिए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। देखिए किस इसके हिंदी नाम से हम कितने आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये क्या है। जैसे मैंने इसमें लिखा है पुल्लिंग, पुल्लिंग छोड़िए, पुल्लिंग तो आपको समझ में पता नहीं कौन सा दही है, मैं खुद ही नहीं जानता हूं। पुरुष लिंग कहेंगे इसको, क्या कहेंगे बेटा, पुरुष लिंग। और इसको क्या कहेंगे, महिला लिंग। क्या कहेंगे बेटा, महिला लिंग। कितना आसान हो गया, जिसमें पुरुष की बात करेगा। देखिए मैस्कुलिन क्या कहेंगे आप, मैस्कुलिन, जिस शब्द में जिसमें पुरुष प्रजात की बात करेगा, किसकी बात करेगा बेटा, पुरुष प्रजात की बात करेगा, बात करेगा, वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, वो सिर्फ इतना ही काफी है। जिसमें क्या करेगा बेटा, जिसमें पुरुष प्रजात की बात करेगा। देखिए इससे भी आसान, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यम पर मेल भी कह सकते हैं बेटा। यम पर क्या कह सकते हैं आप, मेल भी कह सकते हैं, यम पर फीमेल भी कह सकते हैं बेटा। ये लेडीज जेंडर है बेटा, आप ध्यान रखेंगे। मैंने बताया कि मैस्कुलिन क्या कह सकते हैं, मैस्कुलिन को मेल भी कह सकते हैं, पुल्लिंग भी कह सकते हैं या पुरुष जेंडर भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसको, फेमिनिन को आप फीमेल कह सकते हैं। देखिए यफ यफ से अंदाजा लगाएंगे, यम यम से अंदाजा लगाएंगे, यम मेल, एफ फीमेल, ठीक है। अब देखिए क्या किया मैंने, जिस जिसके जिसमें पुरुष प्रजात की बात करेगा, जिसमें पुरुष प्रजात की बात करेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे मैंने कह दिया क्या बेटा, बॉय, बॉय क्या है बेटा, मैस्कुलिन जेंडर है, ये लड़का होगा, मैन कह दिया, ऑप्स हो गया, ये सारी चीजें क्या है, मैस्कुलिन है। सर कैसे मैस्कुलिन है, आस क्या होता है बेटा, ये मेल है और ये भी क्या है, मेल है, ये भी क्या है, मेल है। तो आपका जितनी भी चीजें मेल में आएंगी, जो भी चीजें, उनको हम क्या कहेंगे बेटा, मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। इसी प्रकार जो है हम फेमिनिन में बढ़ते हैं, फेमिनिन में जैसे मैंने कहा बेटा, फेमिनिन में क्या होता है, जिस जिसमें जिसमें महिला प्रजाति की बात की गई हो, किसकी बात की गई हो बेटा, महिला प्रजाति की बात हो, तो महिला प्रजाति की बात होगी तो आप क्या रखेंगे बेटा, उसे क्या कहेंगे हम, फेमिनिन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जैसे मैं कह दूं एग्जांपल, आपका एग्जाम्पल लेंगे क्या बेटा, लेडी, लेडी किसमें आता है बेटा आपके, लेडी आपकी क्या है, फेमिनिन जेंडर है, वो क्या है, फेमिनिन जेंडर। इसी प्रकार मैंने कह दिया काऊ, आस का वाइफ कौन होता है बेटा, काऊ होता है, तो क्या हो गया, ये मैस्कुलिन हो गया और ये क्या हो गया, फेमिनिन हो गया। ये मैन का क्या होता है, लेडी होता है, तो मैन क्या हो गया, मैस्कुलिन हो गया और फेमिनिन हो गया। बॉय का क्या हो जाएगा बेटा, गर्ल हो जाएगा। इसी प्रकार आप दोनों को मैस्कुलिन और फेमिनिन में बदल सकते हैं। देखिए बॉय का हम फेमिनिन क्या कहेंगे, गर्ल हो गया, मैन का क्या हो गया, लेडी हो गया, आस क्या हो गया, काऊ हो गया। कितना आसान है मैस्कुलिन और फेमिनिन पहचानना, दो चीजें याद रखेंगे। जैसे आप एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में क्या आपको उसमें पूछेगा, फॉर्म वगैरह आप भरने लगेंगे तो क्या आपको या तो सेक्स दिया रहेगा या तो जेंडर दिया रहेगा, तो वहां आप अपना जेंडर याद रखेंगे। जब आप पुल्लिंग है तो आप, या फिर पुरुष है तो आप मैस्कुलिन में मेल में टिक करेंगे, और अगर आप स्त्री हैं तो आप फीमेल में टिक करेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉमन जेंडर की ओर। कॉमन जेंडर, जिस नाउन में पुरुष व महिला डिसाइड ना हो, देखिए इसको ध्यान से समझिए, जिस नाउन में पुरुष व महिला डिसाइड ना हो, इसका मतलब क्या है, इसमें पुरुष भी हो सकता है और क्या हो सकता है, महिला भी
हो सकता है। अभी तक हमने क्या देखा, मेल में सिर्फ मेल मेल ही रहेगा, पुरुष ही रहेगा, और फीमेल में सिर्फ स्त्री स्त्री रहेंगी। लेकिन कामन में क्या होता है बेटा, ये उभयलिंग किस लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। सर ऐसा क्या होगा, ऐसा बेटा देखिए, सबसे पहला तो मैं खुद ही एक टीचर हूं, क्या हुआ, टीचर, टीचर क्या हो जाएगा बेटा, टीचर मेल भी हो सकता है और टीचर फीमेल भी हो सकता है। फिर क्या हो गया, डॉक्टर, डॉक्टर क्या हो सकता है बेटा, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, बिल्कुल। इसी प्रकार आपका मेड, मेड नहीं सॉरी सर्वेंट, सर्वेंट क्या हो सकता है बेटा, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, आप याद रखेंगे। स्टूडेंट देखिए कितनी चीजें आपको मिल जा रही, एग्जांपल यहीं पर, स्टूडेंट क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा, फीमेल भी हो सकता है। तो आप इन बातों को याद रखेंगे कि जिस नाउन में पुरुष व महिला दोनों डिसाइड ना हो, या जिस नाउन में पुरुष की भी बात हो और महिला की भी बात हो, मतलब ये दोनों हो सकते हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, पहले आपने देखा मेल मेल, फीमेल फीमेल, अब क्या देख रहे हैं कि दोनों एक साथ हो सकते हैं, तो आप क्या बोले, टीचर, टीचर क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, डॉक्टर क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, सर्वेंट क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसी प्रकार स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो अगला टॉपिक आपका क्या है बेटा, न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर में आप देखिए, न्यूटर में इतना आसान है, आप देखिए इसमें ना नर का बोध होता है ना मादा का बोलता है, तो सर होता क्या है फिर, जब ये जेंडर में आता है तो होता क्या है, तो बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना तो नर होती हैं ना मादा होती हैं, जैसे आपके सारे नॉन लिविंग थिंग, क्या बोल दिया मैंने बेटा, सभी नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, देख कितना आसान है, सभी जितने भी नॉन लिविंग थिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, आपका बुक हो गया, टेबल हो गया, कोई कहेगा क्या बुक कौन सा है, लड़का है एक लड़की है, क्या इसके लिए भी कभी लड़ाई हुई है कि ये बुक लड़का है या लड़की है, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, टेबल के लिए कभी लड़ाई, टेबली है, टेबली तो बोलते ना इसको, टेबल ही बोलते हैं आप, अब बुक कभी बुकी बोले नहीं, बिल्कुल नहीं बोला आपने, तो बुक टेबल हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, एक तो ये नॉन लिविंग थिंग है, इनमें खुद की जान नहीं है ना ये ग्रोथ कर सकते हैं, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, तो बुक हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल आप अपने मन में ले सकते हैं बेटा, लेकिन होना क्या चाहिए, नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए पहली चीज, और जो नॉन लिविंग थिंग होता है बेटा वो हमेशा न्यूटर होता है। तीसरी बात, चौथी बात आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, कि आपके जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं बेटा, इंसेक्ट कीड़े मकौड़े बेटा, कीड़े मकौड़े, उनको हम क्या, उनके, उनको भी हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर, जैसे हो गया अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये छोटे छोटे कीड़े मकौड़े हैं, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब क्या है बेटा, ये सब छोटे मोटे कीड़े मकौड़े हैं, तो उनका भी जब आप जेंडर डिसाइड करने लगे तो आप क्या बताएंगे, वो भी क्या है आपके, न्यूट्रल जेंडर है। तो आशा करता हूं आपको जेंडर सारा समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कुछ नोट्स है, मैं उसको आगे लिखवा देता हूं आपको, देखिए नोट आप लेंगे बेटा, नोट में मैंने जैसे लिखा हुआ है, जिस शब्द से, जिस शब्द में स्ट्रेंथ का बोध हो, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है बेटा, क्षमता, ताकत जिसको कहते हैं हम, जिस शब्द में स्ट्रेंथ का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, मैस्कुलिन कहेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, मैस्कुलिन बोलेंगे, कैसे, जैसे मैंने कहा द सन, जैसे मैंने क्या कहा बेटा, द सन, या फिर मैंने कहा समर, विंटर, ये सब क्या है बेटा, इनका एक अलग प्रकोप है, अगर आप सन का देखेंगे, अगर ये धूप ज्यादा हो गई बेटा तो आप वहां पर खड़े नहीं हो सकते हैं, इसी प्रकार गर्मी, ये क्या है, ये सारी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ताकत दिखा रहा है, विंटर क्या है, कितना को ताकत, डेथ की ताकत तो आप जानते ही है, और टाइम को तो सीधा कहा जाता है, टाइम इज अ स्ट्रेंथ, तो आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों में, जिन शब्दों में क्या दिखाई देता है बेटा, स्ट्रेंथ दिखाई दे, तो आप उसमें क्या कहेंगे, उसको मैस्कुलिन में रखेंगे। और बेटा दूसरी बात मैंने कही, जिस शब्द या ऑब्जेक्ट से, जिस शब्द या ऑब्जेक्ट से ब्यूटी, सुंदरता, जेंटलनेस आपका, या फिर ग्रेसफुलनेस, ये सारी चीजें क्या है, एक मासूमियत जिसको कहा जाता है बेटा आपका, या मर्सीनेस, दयाहीन भावना, ये सारी चीजें दिखाई दे तो वो क्या होता है, वो एक लेडीज के अंदर ही पाया जाता है। आप ये चीजें फीमेल के अंदर ही पाएंगे, ब्यूटी हो गया, जेंटलनेस हो गया, मतलब जो आपका एक जेंटल स्वभाव होता है, वो सारी चीजें किसमें ज्यादा होती हैं, वो आप में फेमिनिन में ज्यादा होती हैं, तो फेमिनिन में ज्यादा होती हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फीमेल ही कहेंगे, कैसे, जैसे मून हो गया,
अब मून क्या है, चांद के बाद चांद से तो कितने ज्यादा शायर बन गए हैं, कितने लोग तो शायरी बना देते हैं, चेहरे को ही चांद बना दिया है, तो चांद चांद चेहरा चेहरा वही बात फिर से आ गया, किसमें, फीमेल में आ गया। इसी प्रकार देखिए द अर्थ, अर्थ कहेंगे तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो, किसको कह रहे हैं, ये किसको कहते हैं बेटा, फेमिनिन को ही कहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया आपका फेमिनिन जेंडर हो गया। स्प्रिंग इसी प्रकार नेचर या फिर मर्जी दया, ये सारी चीजें क्या है, एक प्रकार का आपका फीमेल वर्जन ही है। तो आप याद रखेंगे जो भी स्ट्रेंथ की बात करेगा तो उसमें आप क्या कहेंगे, उसको मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, मतलब मेल जेंडर कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, पुरुष लिंग कहेंगे। और इसमें जब आप ब्यूटी जेंटलनेस या ग्रेसफुलनेस की बात करेंगे तब आप क्या कहेंगे, फीमेल फीमेल या फिर महिला जेंडर इसको कह देंगे। आपके सामने एग्जांपल कुछ लिखे हुए हैं, आप इससे एग्जांपल को समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं केस की ओर। चलिए हम देखेंगे अब क्या बेटा, केस, केस क्या होता है, कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो चार होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकेटिव। तो वोकेटिव इसमें आप में इंपॉर्टेंट है नहीं, टेंथ तक में वोकेटिव की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, जब आप आगे लेवल में पढ़ने लगे ग्रामर उस टाइम पे आपका वोकेटिव आएगा। तो हम अभी क्या देखना है, हमें सिर्फ देखना है तीन केसेस। केस का हिंदी क्या होता है बेटा, कारक। जैसे मैंने बताया पहला केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस होता है बेटा, नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा क्या होता है बेटा, पजेसिव केस। आप ध्यान दीजिए कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, कर्ता कारक, कर्म कारक और स्वामित्व। यहाँ पे जो स्वामित्व शब्द लिखा हुआ है इससे पता चल रहा है कि किसको शो कर रहा है बेटा, ओनरशिप को शो कर रहा है। ये आपकी चीजें हैं तभी आप इसको पजेसिव केस कहेंगे। कैसे बेटा, पहला देखिए नॉमिनेटिव केस का आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है, यदि नाउन या प्रोनाउन, क्या बोला मैंने, यदि नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का, किसका बेटा, वर्ब क्या होती है, वर्ब आपकी क्रिया होती है, वर्ब क्या होती है आपकी क्रिया होती है। कोई भी कार्य जो आप करते हैं, आप चलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सारी चीजें किसमें आती है, क्रिया में आती है। जैसे मैंने बताया यदि किसी नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं बेटा, कर्ता हो, जैसे एग्जांपल देखिए, इसको एग्जांपल समझेंगे एकदम अच्छे से। एग्जांपल मैंने कहा राम गोज टू स्कूल। अब आप इसमें ध्यान दीजिए बेटा कि गोज क्या है बेटा, वर्ब है। गोज क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के कर्ता का काम कौन कर रहा है बेटा, राम कर रहा है। यहां पर राम क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है वही कौन सा केस होगा बेटा, आपका नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। तो क्या हो गया बेटा, ये आपका नॉमिनेटिव केस। याद रखेंगे आपकी यदि नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो, यदि नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, वही आपका नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। जैसे मैंने बताया राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल में सब्जेक्ट क्या है, राम है, वर्ब क्या है, गोज है, गोज के पहले देखिए आ गया है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हरी सिंग्स अ सॉन्ग। हरी क्या कर रहा है बेटा, गाना गा रहा है। गाना गाना ही उसका क्या होता है बेटा, क्रिया होती है। ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब का क्या है, ये हरी क्या है, सब्जेक्ट है, और जब हरी सब्जेक्ट है तो यही कौन सा केस होगा बेटा, नॉमिनेटिव केस होगा। क्या होगा ये, नॉमिनेटिव, क्योंकि यही करता है, यही कार्य को कर रहा है, यही कार्य क्या कर रहा है, कर रहा है, जो कार्य को करता है वही कर्ता कहलाता है बेटा। तो देखिए इसमें राम कार्य को कर रहा है, राम स्कूल जा रहा है ना बेटा, तो वही कार्य कर रहा है। इसमें हरी गाना गा रहा है तो हरी कार्य कर रहा है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, नॉमिनेटिव केस बहुत ही आसान है, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ये। अब इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव केस में बढ़ेंगे हम। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, यदि नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो बेटा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म होता है। जैसे हम कहेंगे, एग्जाम्पल देंगे बेटा, राम राइट्स अ लेटर। मैंने क्या लिखा बेटा, राम राइट्स अ लेटर, या फिर क्या लिखा बेटा, शी गोज टू स्कूल। अब इसमें ध्यान दीजिए, दोनों सेंटेंस में आप दो सेंटेंस में आसानी समझ लेंगे कि बेटा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। राम राइट्स अ लेटर, सर इसमें सब्जेक्टिव केस तो हम जान गए, नॉमिनेटिव केस को आप सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर इसमें मैं नॉमिनेटिव केस तो जान गया कि राम क्या है, नॉमिनेटिव केस है। आपने पहले बता दिया है कि जो कार्य करेगा राम ही काम कर रहा है, राम क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है, वर्ब का सब्जेक्ट है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट आप देखिए बेटा, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो लेटर क्या हो गया बेटा आपका, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया आपका,
ऑब्जेक्टिव केस हो गया। कैसे बेटा, आप ध्यान दीजिए कि जब मैंने कहा नॉमिनेटिव केस में आपका ये कर्ता था और ये कर्म क्या कर रहा है, लेटर लिखने का, जो कर्म होगा वही क्या कहलाएगा बेटा, आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं, शी। शी क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस भी है। सब्जेक्ट है तो क्या है बेटा? नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि किसका सब्जेक्ट है? ये किसका है? वर्ब का। और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है सर, वो क्या कहलाता है? वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। तो टू स्कूल क्या हो गया बेटा? आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। बहुत आसान है, जैसे सब्जेक्टिव केस था उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव केस है। जब आपका वर्ब का सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस होगा, और जब आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब बढ़ते हैं पजेसिव केस की ओर। पजेसिव केस में ध्यान देंगे बेटा। अब देखिए बेटा, पजेसिव केस, पजेसिव केस में आपको शब्द से ही पता चल रहा है क्या है, कि इसमें ओनरशिप शो करेगा। स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप, आपका खुद का जो है। जैसे हम कहते हैं, आप देखिए, स्वामित्व या अधिकार को दिखाता है। अधिकार क्या होता है? आप अपने चीज पे जितना अधिकार कर सकते हैं उतना किसी और की चीज पे अधिकार नहीं कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेंगे हम, दिस इज सीताज हाउस। सीताज हाउस देखिए अपोस्ट्रॉफ लगाया, अपोस्ट्रॉफ का मतलब होता है सीता का घर, सीता का घर। जब हम अपोस्ट्रॉफ लगा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह स्वयं सीता का घर है, किसी और का घर नहीं है। तो आप जब खुद की बात करेंगे, स्वामित्व मतलब खुद का अपना ओनरशिप दिखाएंगे कि यह चीज किसकी है? मेरी है। और जब मेरी है तो क्या एकदम गर्व से कहेंगे आप कि ये किसका है? मेरा है। और कौन सा केस होगा? वो पजेसिव केस हो जाएगा बेटा। इसी प्रकार आप दूसरा एग्जांपल लेंगे, दिस इज माई कार। या किसकी कार है बेटा? मेरी कार। माई देखिए, शब्द देखिए आप, यहां पर अपोस्ट्रॉफ देखा आपने, यहां पर माई देखा, दोनों शब्द किसको दिखा रहा है? पजेसन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? स्वामित्व को दिखा रहा है, ओनरशिप को दिखा रहा है कि ये कार किसकी है बेटा? मेरी है। ये कार किसकी है? मेरी है, किसी और नहीं, मैंने स्वयं खरीदा है। ये घर किसका है? मेरा है, मैंने स्वयं बनवाया है। जब दोनों में आप ध्यान देंगे, अधिकार को बता रहा है या खुद के ओनरशिप को बता रहा है? इसमें अधिकार को बता रहा है, इसमें अपने ओनरशिप को बता रहा है। देखिए दोनों शब्द आ गए आपके, और जब ये दोनों चीजें बताएगा तो क्या कहलाएगा? आपका पजेसिव केस कहलाएगा। एक चार्ट में बता देता हूं कि किस प्रोनाउन का क्या चेंज होगा केस। नाउ दिस इज द केस चार्ट। केस चार्ट में आप क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ये सारे क्या है आपके, देखिए आई भी क्या है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, दे, आपको कहीं ना कहीं ये सारे आपको क्या लग रहे होंगे? प्रोनाउन लग रहे होंगे। बिल्कुल प्रोनाउन है भी है। ये क्या हुआ? जैसे मैंने कहना शुरू किया, अब आई का नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस में आई को आई ही कहेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में मी कहेंगे, पजेसिव केस में माई कहेंगे, और पजेसिव प्रोनाउन में क्या कहेंगे बेटा? माइन कहेंगे। तो एक बार आप इसको पॉज करके पूरा अच्छे से नोट कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज आप मेरे साथ बोलेंगे, जैसे नॉमिनेटिव केस देखिए लाइन से बोलते जाएंगे, आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स, यू यू योर योर्स, ही हिम हिज हिज, शी हर हर हर्स, इट इट इट्स इट्स, दे देम देयर देयर्स, राम राम राम्स राम्स। आप ध्यान देंगे, मैंने कहा था कि जब किसी का नाम रहेगा तो वो क्या रहेगा बेटा? अपोस्ट्रॉफ लगा रहेगा उसमें। अपोस्ट्रॉफ किसको शो करेगा बेटा? स्वामित्व को शो करेगा। ध्यान से देखिएगा आप, ये नॉमिनेटिव केस है, इसी का ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसी का ये पजेसिव केस है, और इसी का ये पजेसिव प्रोनाउन है, किसी का अलग नहीं है। आप इसको अच्छे तरीके से बस क्या करना है, एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आज के लिए इतना काफी है, केस चार्ट आपका खत्म हुआ। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू क्लास।